श्रीमती रंजीता कोहली। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने लोकसभा में भरतपुर व राजस्थान के अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोटरी पब्लिक की लाइसेंस नवीनीकरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र भरतपुर व राजस्थान के अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोटरी पब्लिक की लाइसेंस नवीनीकरण विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार में करीब 9 माह से लंबित है, जिसमें समस्त नोटरी पब्लिक परेशान हैं और उनके रोजगार और व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जबकि नोटरी पब्लिकों द्वारा नियत समय पर समस्त प्रक्रिया अपनाते हुए मंत्रालय के नोटरी सेल को भेज रखे हैं। इसके साथ ही भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने अनुरोध किया कि राजस्थान के भारत सरकार द्वारा नियुक्त सभी नोटरी पब्लिकों की लाइसेंस नवीनीकरण विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नोटरी पब्लिकों की लाइसेंस नवीनीकरण करवाने की कृपा करें, जिससे कि समस्त नोटरी पब्लिक अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने में सक्षम हो सकें। इसके साथ ही माननीय भरतपुर सांसद रंजीता कोहली को बार एसोसिएशन के वकीलों द्वारा फोन पर आभार व्यक्त किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने सदन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र